Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Welcome to my channel. Parents is a bank where we deposit our worries and happiness. Dear students, आज हम English language में lecture number 20 में paragraph के बारे में पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले हम paragraph को पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ के फिक्रों को मैं आपको मुख्य फिक्रों में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पैराग्राफ के सेंटेंस में किस किस टेंस का इस्तेमाल हुआ है. तो चलते हैं पैराग्राफ की तरफ. इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. वालदेन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है. इसको आप चेंज कर सकते हो. इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स. बड़ों की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है. इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू लव यंगर्स. छोटों से मोहब्बत करना हमारा इखलाकी फर्ज है. दे टेक मच केयर ऑफ अस. वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं. इसको भी आप चेंज कर सकते हो. You take much care of me. तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो. I take much care of you. मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ. Next है, they feed us. वो हमें खुराक देते हैं. You feed me. तुम मुझे खुराक देते हो. I feed you. मैं तुम्हें खुराक देता हूँ. अल्लाह फीड अस. अल्लाह हमें खुराक देता है. दे गिव अस क्लॉथ्स. वो हमें कपड़े देते हैं. आई गिव यू क्लॉथ्स. मैं तुम्हें कपड़े देता हूं. पेरेंट्स गिव मी क्लॉथ्स. वालदेन मुझे कपड़े देते हैं. दे गिव अस क्लॉथ्स. वो हमें कपड़े देते हैं. दे प्रोवाइड अस विथ ऑल दोज थिंग्स विच वी नीड. हमें वो तमाम चीजें मुहैया करती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है. नेक्स्ट है, दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व देम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन. वो हमें स्कूल भेजती हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत कर सके. दे सेंड मी टू स्कूल. वो मुझे स्कूल भेजते हैं. I send him to school. मैं उसे स्कूल भेजता हूँ. Next है, it will bring comfort to us. इससे हमें राहत मिलेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा यूज इस्तेमाल हुआ है और कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है. तो ये सिंपल इज आर एम का फिक्र है. इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. ये सिंपल इज आर एम का फिक्र है. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है. दे टेक मच केयर ऑफ अस. इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है. 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 और लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात हुई है, और लास्ट का फिक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है. तो मुझे उम्मीद है तो ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने दोस्तों को सेंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.